अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। मुझे एक लग्जूरियस लाइफ दिख रही है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से विंडफॉल आए, कोई लॉटरी जीतने का आपका योग हो सकता है। टॉक अबाउट हाउ द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर द वेरियस जोडियक साइंस, यानी कि हमारी जो 12 राशियां हैं उनके लिए पूरा महीना, मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम एरीज से, एज ऑलवेज, बिकॉज एरीज जो है वो काल पुरुष की राशि है, तो हमेशा कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए हम मेष राशि से ही शुरू करते हैं। वाव, क्या कार्ड्स हैं मेरी एरीज, आपको जो जो तकलीफें थी फरवरी महीने में वो तकलीफें आपकी खत्म हो रही हैं। लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ नाइसनेस, प्लस व्हाट आई एम आल्सो सीइंग इज लॉट ऑफ मनी कमिंग योर वे। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। मुझे एक लग्जूरियस लाइफ दिख रही है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से विंडफॉल आए, कोई लॉटरी जीतने का आपका योग हो सकता है। तो अगर आपको लॉटरी में इन्वेस्ट करना है, डोंट गो एंड इन्वेस्ट बिग अमाउंट्स, बट अगर आपको कोई लॉटरी में इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए, छोटा छोटा अमाउंट आपको बेनिफिट हो सकता है। या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजिशन आएगा ये महीना कि जिसकी वजह से आपको पैसा मिल सकता है, तो फोकस करो पैसा मिलने के ऊपर, फोकस करो कि आपको जितना पैसा, बिकॉज ये कार्ड जो है ना सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो थोड़ा सा दूर से है, वो अपॉर्चुनिटी को प्लीज ग्रैब कीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा इस पे मत जाइए कि ये खराब है वो खराब है, जस्ट गो अहेड, द वर्ल्ड इज योर। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, आपने ये पूरे महीने के लिए वर्ल्ड कार्ड निकाला है और ये वर्ल्ड कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, आपको डेफिनेटली यूनिवर्स बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहा है और आपको ये गिफ्ट्स के यूज करना चाहिए, आपको ये गिफ्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज हर बार आपका समय अच्छा नहीं होता है, हर लेजेंड के लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट मंथ फॉर यू, यूज दिस मंथ, टेक हेल्प ऑफ पीपल, पीपल विल डेफिनेटली हेल्प यू, बी वेरी वेरी हैप्पी। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप लोग वेकेशन पे जाएंगे या फिर कोई ऐसी न्यूज मिलेगी जो आपने हमेशा के लिए इंतजार किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ मिरेकल्स, मंथ ऑफ मिरेकल्स, सो डू दैट, focus on the miracles happening in your life, and maybe the mantra for you this can be I believe in miracles, write that as your WhatsApp status and you will start seeing the difference in your life, I believe in miracles and miracles do happen. Aur fir hamare paas aate hai Taurus, Taurians ke liye aaiye dekhte card kya keh rahe hain. Vrushabh rashi ke liye ek average card hai, yani ki average month rehne wala hai, na zyada kharab na zyada acha, but that's perfectly fine. और ये मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, नॉट दी वेरी वेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो इंडिकेटेड। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ कुछ लोग आपके अपने घर में इंटीरियर का काम करवा सकते हैं या कोई फर्नीचर खरीद सकते हैं या समथिंग टू डेकोरेट द हाउस। प्लस ये भी हो सकता है कि आप कोई प्लॉट खरीदें, लैंड खरीदें, घर खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, एंड दैट इज गोइंग टू पे यू लॉन्ग टर्म। आपके ऑफिस में आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है, सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि आपका जो एटीट्यूड है ना या जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है, यानी कि आप सिर्फ अपने 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 बारे में सोचो, बोलते मैं और मेरे बारे में। आप वो चीज़ बदलिए और लोगों को हेल्प करने की स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप हेल्प करोगे ना इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। सो चेंज योर एटीट्यूड, अपना विचारधारा चेंज कीजिए। ये जो लोगों को होता है ना कि हमें हेल्प नहीं करनी है, हेल्प नहीं करनी, नहीं, रेकी का जो प्रिंसिपल है ना, अगर आपने एक दिया तो चार उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं। तो आपको ये करना है कि लोगों को हेल्प करना है ताकि आप अपने लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस ला सके। एंड वॉट आई एम ऑल्सो सींग इज एन इमोशनल कार्ड, सो ट्राई टू बी इमोशंस, ट्राई टू कनेक्ट टू योर इमोशंस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन पीपल डू नॉट कनेक्ट टू देयर इमोशंस इट शोज अ डिस्पैरिटी। तो ये मंथ के लिए मैं आपको जो क्रिस्टल दे रही हूँ वो लैब्रोडाइट है, वेयर द लैब्रोडाइट क्रिस्टल टू कनेक्ट विद योर इमोशंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे पास आते हैं मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ट्विंस की राशि है, इनका भी ये एवरेज मंथ रहेगा, ठीक ठीक रहेगा, कोलैबोरेशन आएंगे, देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु वांट टू जॉइन विद यू, वर्क विद यू, प्लीज पे अटेंशन टू देम एंड दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, आप अगर फाइनेंसेस में बैलेंस नहीं लाएंगे तो तकलीफ हो सकती है, तो ट्राई टू बैलेंस योर फाइनेंसेस, ज़्यादा एक्सेसिव खर्चा ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहाँ आपको एक्सेस खर्चा करना पड़ेगा, वो आपके लिए काफ़ी
प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। देयर इज समबडी अराउंड यू हु इज ट्राइंग टू गिव यू लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि थोड़े से आप लॉजिकल हो जाए, उस व्यक्ति की बात जरूर सुनिए। कोलैबोरेशन आर डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू। प्लस आई एम ऑल्सो सीइंग अ काइंड ऑफ अ ट्रैवल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट एक छोटा सा ट्रैवल हो सकता है वर्क रिलेटेड, तो प्लीज वो कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट आपका जो मन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आप जो हैं जेमिनाइज, ये अगर मंडे के दिन शिव जी का उपास करेंगे या फिर शिवलिंग पे पानी चढ़ाएंगे तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर हमारे पास आते कर्क राशि, कैंसर। वाओ, क्या कार्ड्स हैं कैंसर के, सम नाइस अपॉर्चुनिटीज गोइंग टू कम योर वे कैंसेरियंस। और जो मैं ये देख रही हूँ ना कि आप है ना बहुत ज़्यादा दुखी थे, आपको ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ जो है ना वो स्टक है और मेरी लाइफ में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बहुत अच्छी कोई है ना आपको वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप वो वर्क अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए तैयार हो जाना और आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास ये एडिशनल आ रही है, आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी आ रही है। डू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। बट अब क्या हो सकता है, कभी कभी दो तीन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो सोच समझ के आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिएगा। हो सकता है आपको एक गलत डिसीजन ना लें, घाई घाई में हम अक्सर मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप आसपास आपके कुछ लोग हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, यू नो दिमाग में थॉट्स डाल रहे हैं, या आपको आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो एनवायरनमेंट से आप दूर रहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप तो बहुत फोकस्ड हैं लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं ना वो इतने फोकस नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ ना कि आप है ना किसी को कोई मदद नहीं करते, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में नहीं। यू नाउ नीड टू थिंक ऑफ अ लार्जर पिक्चर, यू नाउ नीड टू थिंक ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि भैया सिर्फ मेरी ग्रोथ, आजू बाजू वालों की ग्रोथ, तो हेल्प करो लोगों को, ट्राई टू हेल्प पीपल एज मच एज पॉसिबल, इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। सेकेंडली वट आई एम ऑल्सो सींग इज थोड़ा सा आप चैरिटी कीजिए, डॉग्स को कुछ खाना दे दीजिए ये पूरा मंथ, या फिर आप कोई ऑर्फनेज में जाके जो है ऑर्फन्स के लिए बिस्किट दे दीजिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की बहुत कमी है। मटेरियलिज्म इज एट द पीक, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट देयर, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम लोनलीनेस, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, स्ट्रेस और उसमें जा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को अगर कुछ पॉवर्टी के इश्यूज हैं या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने काम को लेके, आई वुड एडवाइस देम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन, सी फ्रॉम वेयर दिस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस इज कमिंग। इट कैन बी अ पास्ट लाइफ वाव ओथ और सम कमिटमेंट दैट यू हैव टेकन फॉर योर सेल्फ विच कुड बी क्रिएटिंग अ ब्लॉक एट दिस टाइम। सो जस्ट गो अहेड एंड कोशिश करिए कि एक रेड कार्नेलियन अपने साथ रखिए, ये महीना आपको काफ़ी सिक्योरिटी, काफ़ी ग्राउंडिंग आपको मिलेगी। और फिर हमारे पास आते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। एक्सट्रीमली गुड कार्ड्स फॉर सिंह राशि यानी लियो के लिए। आपको जो जो प्लान करना है या जो जो प्लान किया इम्प्लीमेंटेड, दिस इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट। और अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, दिस इज द टाइम फॉर रिजल्ट्स। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, लॉट ऑफ ग्रोथ। मुझे फॉरेन ट्रैवल दिख रही है, मुझे एयर से ट्रैवल दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आपकी काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप है विद पीपल अराउंड यू। वॉट ऑल्सो आई एम सींग इज कि अगर आप कोई ऑफिस में है, ऑफिस में भी आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, यानी कि आपके वर्क प्लेस में मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। और अगर वर्क प्लेस में अगर आपको कुछ ऐसे काम करने को बोले, आप प्लीज़ उसके लिए रेडी हो जाइए। डू नॉट थिंक ऑफ अरे मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे कर लूंगा, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है एंड द यूनिवर्स विल ऑल्सो सपोर्ट यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि आसपास ना थोड़े से आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, मंदिर जाने की ज़रूरत है ये महीना, तो आप प्लीज़ ये चैरिटी कीजिए, मंदिर जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मंदिर के लिए आपके जो दिन आया है वो है बुधवार, आपको बुधवार के दिन मंदिर जाना है और बुधवार के दिन आपको मंदिर जाके आपको प्रार्थना करनी है ना, आप किसी भी देवता की कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स रियली रियली गुड to be very beneficial to you. Also what I'm seeing is the growth which will be there is going to be great, exponential. So do not be afraid to take risk. Because अगर आप risk नहीं लेंगे तो आपकी growth मुझे नहीं दिख रही है, तो risk लेना बहुत ज़रूरी है। This is very very important for you this month. Let's see for Virgo. Virgo के लिए क्या कह रहे हैं cards? Month.
आपके लिए मार्च महीना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मार्च महीने में जो आपने ग्रोथ एक्सपेक्ट की है वो नहीं होगा, प्लस ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। अब ये मैं देखने वाली हूँ कि ये क्यों आपके लिए दुखी कर सकता है। कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ अनहैप्पीनेस आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी अनहैप्पी हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड ये इसलिए हो रहा है, आपको 8 से 10 महीने से पता चल रहा है कि देर इज़ सम प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। मार्च महीना आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, और मार्च महीने में आपको ये देखना है कि जो चीजें हो रही है, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपके आसपास वालों की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपके किसी के साथ झगड़ा हो जाए, जैसे होता है ना आपके लव्ड वन के साथ या सिबलिंग्स में झगड़े हो जाए, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। पर इसमें ये दिख रहा है कि इसमें आपकी गलती नहीं होगी, जो आपके आसपास से जो लोग हैं ना वो आपको परेशान करने पर तुले हुए हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको एक रेमेडी देने वाली हूँ कन्या राशि की। अच्छा, हो सकता है कि कोई गॉसिप हो और आपका नाम भी खराब हो, नेम एंड फेम खराब होने की पूरी संभावना है, तो इस वजह से आपको सूर्य का जो है वो जाप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका नेम फेम नहीं खराब हो। लोगों को ट्रस्ट मत कीजिए, बिल्कुल मत ट्रस्ट कीजिए, जो आप बोलोगे वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर होने वाला है। सूर्य को जल आपको हर दिन देना है ये महीना, सो दैट आपकी लाइफ में तरक्की होती रहे और जो तकलीफें हैं वो कम हो जाए। और अगर आप लोग कोई हीलिंग में विश्वास करते हैं तो थोड़े से हीलिंग सेशंस ले लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रॉब्लमेटिक टाइम है वो कम हो जाए। और फिर हमारे पास आते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि। आइए देखते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। वाह, क्या काज है लीब्रा के लिए। लीब्रा, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। मेरे को लग रहा है कि शायद आप लोग में से काफ़ी लोग अपना जॉब चेंज करेंगे, या फिर आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके बॉस देंगे, जिसकी वजह से आपका जो प्रमोशन होगा, आपका जो पावर है वो बढ़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ओहदा मिलेगा। यू नीड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। हो सकता है थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी आने में डिले हो जाए, यानी कि आपकी बात तो मार्च में शुरू हो बट ये इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग जाए, बट डू डेफिनेटली टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं उसमें स्पेशली फादर फिगर, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको आपकी लाइफ में सॉलिड होना है, स्टेबल होना है, स्ट्रांग होना है, तो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक एवरी डे एज इट कम्स, स्टार्ट प्लानिंग। प्लस एक काम कीजिएगा, आपको एक जो कार्ड है ना, एम्परर कार्ड जो आपके लिए आया है, उस पर मेडिटेट करना है। ये आपके लिए एक उपाय है। मेडिटेट कैसे करना है, यू कैन डाउनलोड दिस कार्ड फॉर योरसेल्फ फ्रॉम द इंटरनेट, और ये कार्ड को देख के बोलो कि आई एक्सेप्ट स्टेबिलिटी पावर एंड पोजीशन इन माय लाइफ, आई एक्सेप्ट स्टेबिलिटी पावर एंड पोजीशन इन माय लाइफ। बस अब ये जो मंत्रा है 21 टाइम्स बोलिए ये कार्ड को देख के, और आपको ये बोलना है सोने से 15-20 मिनट पहले। आप ये पूरे मंथ इसको मैनिफेस्ट कीजिए एंड लेट मी नो द चेंजेस। और फिर हमारे पास आते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। वाओ, महीना स्टार्ट तो परेशानी से होगा, लेकिन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। यानी कि लीब्रा के लिए भी ये मंथ अच्छा है, वृश्चिक के लिए भी ये मंथ अच्छा है। और वृश्चिक राशि के लिए मैं ये बोलूँगी कि जो चेंजेस आएंगे ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। मेरा इसे कंट्रोल में नहीं होंगे मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो चेंजेस अपने आप आ रहे हैं। यूनिवर्स इज गिविंग, सो इट्स समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल। यू मे जस्ट गो टू अ न्यू सिटी, यू मे जस्ट गेट अ न्यू जॉब ऑफर, यू मे जस्ट गेट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, so make use of it. I'm seeing a lot of travel, I'm seeing a lot of happiness, I'm seeing a lot of the good things coming your way. So you really need to take care. थोड़ा सा आपको है ना चीज़ें, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका टाइम अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये ना कि आप हर चीज़ बड़े शक से देखते हो। अच्छा ये ठीक है मेरे लिए, अच्छा ये ठीक है मेरे लिए, ये बंदा जो बोल रहा है सही है। शक करना छोड़ दीजिए वृश्चिक राशि ये महीना, और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिल रहे हैं। What also I'm seeing is कि हो सकता है suddenly ऐसा आपका कुछ इस तरह से changes आए, आपने expect नहीं किया। बोलते हैं जब भगवान चाहता है वो changes करना, तो आप भी
कुछ नहीं कर सकते। आपका गुरु ये महीना बहुत पावरफुल रहने वाला है, तो जो गुरु है उसका आप ध्यान कीजिए। अगर आपका कोई गुरु है उनके उनका आप क्या बोल सकते हैं, उनको के बारे में सोच सकते हैं, उनको आप दर्शन मतलब उनसे मिलने जा सकते हैं, या फिर आप ओम गुरु गुरुवे नमः का चैंटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करिए ताकि आपको बेनिफिट आए। थर्सडे के दिन अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और फिर हम देखते हैं धन राशि, यानी कि धन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना, मार्च का महीना। मार्च का महीना सैजिटेरियस राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और क्योंकि ये मार्च का महीना सैजिटेरियस राशि के लिए अच्छा रहेगा, बहुत ज़रूरी है कि जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको वो मिलेंगे, लेकिन अपने ईगो को आपको कम करना है, लोगों को रिस्पेक्ट देना है, बी वेरी वेरी हम्बल। शनि कह रहे हैं देखो अगर तुम चाहते हो कुछ भी चेंजेस लाना तो आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट स्टार्टिंग विद योरसेल्फ। और अगर आप किसी का भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, कोई भी चीज़ का आप दान कीजिए, हनुमान जी के टेंपल में जाइए, शनि देवता के टेंपल में जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। मुझे ये दिख रहा है कि ये महीना ना जो आप अपने पुराने आइडियाज़ विचार जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही थी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना, अरे ये सिचुएशन है, अरे मैं इसमें से बाहर कैसे निकलता, आपको ना क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उसके है ना कैसे बोलते हैं ना सोल्यूशंस मिलना चालू हो जाएंगे ये महीना। सो यू रियली नीड टू टेक केयर एंड यू ये इसको कैजुअल महीना मत लीजिए कि जैसा जा रहा है वैसे जाइए। बी इट्स अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर यू। अगर आप सोचेंगे तो हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन आपकी मुट्ठी में है, आप उसको देख नहीं रहे हो, और ये चीज़ से आपको निकलना है, और आपको निकलने के लिए खुद ही आपको प्रयत्न करना है, कोई आके आपको हाथ नहीं देने वाला है, बिकॉज आप ही को इतना मज़ा आ रहा है वो विक्टिम पोजीशन में खड़े रहने के लिए, आपको ही इतना मज़ा आ रहा है कि मैं एक जगह खड़ा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, आई रियली लाइक बीइंग इन दिस पोजीशन, सो चेंज दैट। ओके, और केप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आइए देखते हैं केप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा ये महीना। बहुत सारे कार्ड्स अपने आप जंप कर लिए हैं, एंड यू नो व्हेन कार्ड्स जंप आउट यू नीड टू लुक इनटू दैट। सो केप्रिकॉन्स ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिसीशंस जो आपको लेने हैं बहुत लॉजिकली बहुत क्लिनिकली लेने हैं, इमोशन से डिसीशन मत लीजिएगा, इमोशनली आपके डिसीशन गलत हो जाएंगे। अगर आपको किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी का जॉब छोड़ना है, छोड़ दीजिए, ये मत सोचिए कि अरे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, ये नहीं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट्स द मेन मंत्र इज थिंक अबाउट योर सेल्फ, stop thinking of people. I'm saying something very different, but think about yourself. Because if you're going to think about yourself, you're going to make progress leaps and bounds. New opportunities can come your way. मुझे दिख रहा है students can start traveling. Students के लिए बहुत अच्छा महीना है ये। आपको अगर कोई exams वगैरह आप देने वाले हैं और आपने बराबर से तैयारी की, आप definitely बहुत अच्छे marks से pass होंगे। I'm also seeing inheritance coming your way, या कहीं ना कहीं से पैसे आते हुए, वो पैसे आप फिर से reinvest करेंगे और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे दूसरा जो ये दिख रहा है कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बेनिफिट आ सकता है, यानी कि ट्रैवलिंग इज गोइंग टू ब्रिंग बेनिफिट। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ट्रैवल करते हैं ना तो कुछ ना कुछ हमारा कर्मा ऊपर नीचे होता है, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी ऊपर नीचे होती है। ट्रैवलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू ट्रैवल दिस मंथ एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू। मुझे एक बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, यू आर गोइंग टू बी इमोशनली वेरी वेरी हैप्पी इन योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स, प्लस अ लॉट ऑफ प्रमोशन, प्लस अ लॉट ऑफ ग्रोथ। द ओनली थिंग इज जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ नोबडी एल्स। और फिर हम देखते हैं कुंभ राशि यानी कि अक्वेरियस, आइए देखते हो अक्वेरियस राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। इतना अच्छा महीना, लेकिन आप फिर भी तैयार नहीं हो आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा महीना है, आपको हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आपकी वेल्थ अच्छी होगी, पीपल विल कम, यू विल गो आउट, आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, एंड मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो नहीं चाहते हैं, या वो कहीं आपको एडवाइस कर रहे हैं ये मत करो वो मत करो, अच्छा यहीं पे रहो, वो सब करना छोड़ दो, आप ट्रैवल करो, आप लोगों से मिलो, जो लोग आ रहे हैं उनसे मिलो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको सीज करो,
दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपको तकलीफ हुई तो उससे थोड़ा बहुत पैरों में तकलीफ होगी, वो भी इतनी नहीं है जितना आपको लग रहा है। मुझे पावर एंड पोजीशन दिख रही है आपके लिए, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सैंड स्टोन जो क्रिस्टल है वो अपने पास रखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड बी रेडी फॉर चेंजेस, द ओनली थिंग विच आई एम सीइंग इज दैट यू आर नॉट रेडी फॉर चेंज। एंड जबकि यूनिवर्स आपको धक्का देना चाहता है, भाई चेंज हो जाओ चेंज हो जाओ चेंज हो जाओ, बट यू आर नॉट रेडी फॉर चेंजेस। सो बी रेडी फॉर चेंजेस बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे पास आती है आखिरी राशि जो है मीन राशि। आइए देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। मीन राशि के लिए थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको बिट्रे करेगा, कहीं आपको हर्ट हो जाएगा, कोई गॉसिप होगी, हो सकता है आपके आसपास किसी इंसान को दिल का दौरा पड़े या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए, आपके आसपास वालों का कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहा है, तो वो चीज़ से आप केयरफुल रहिएगा। इट्स अ वेरी वेरी कार्मिक टाइम, तो जो चीज़ आएगी वो कार्मिकली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, और जहाँ कर्म से जुड़ जाता है तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट? सो एक्सेप्ट द थिंग्स विच द डिवाइन हैज़ प्लान्ड फॉर यू, डू नॉट ट्राई टू मेक एनी मोर चेंजेस, बिकॉज द मोमेंट यू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इज गोइंग टू गिव यू अ प्रॉब्लम, इट्स गोइंग टू बैकफायर, एंड आई एम श्योर यू डोंट वॉन्ट दैट, राइट? ऑल्सो आई एम सीइंग दैट देर आर पीपल अराउंड यू हु आर रेडी फॉर कोलैबोरेशन, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, आई एम सीइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे दिस मंथ, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू। मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आप भी किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डोंट ट्राई टू हर्ट पीपल दिस मंथ, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बैकफायर फॉर यू इन द लॉन्ग रन। तो ये था 12 राशियों का मार्च का महीना। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए गाइडेंस हो। अगर आपको कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए टू अंडरस्टैंड, देन यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, एंड डेफिनेटली लेट मी नो कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, मेरा महीना कैसे रहने वाला है। इन केस यू वॉन्ट मोर सोल्यूशंस, just to call us for a personalized reading. Thank you so much. Have a nice month.